वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और कौन है हमारे दरमियान? जी हां, शेफ राहिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप राहिला? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। और आज क्या डिश बन रही है वो बताइए। आज जो डिश बन रही है वो है चिकन कीमा कढ़ाई। चिकन कीमा कढ़ाई, लेट्स सी। सबसे पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे और एक कप पानी और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बहुत ठंडा है, तो मुझे एक ग्लास और पानी रहमान यहाँ पर डिलीवर कर दो। यस, आप इंग्रेडिएंट्स बताएं। ठीक है, चिकन का कीमा है 1/2 kg। ठीक है, 4 अदद बिल्कुल क्यूब्स के शिकल में हम लोगों ने काटनी है। अच्छा, ये कितना kg है? आप बताते रहो। ओके, 1/2 kg कीमा है। ठीक है, 4 अदद आपने टमाटर लेना है, 2 teaspoon आपने लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये घर का बना हुआ कढ़ाई मसाला है। बताएं इसमें क्या क्या डाला है। इसके अंदर है साबुत लाल मिर्च है, हरा धनिया है, सूखा धनिया है, जीरा है, अजवाइन है, कसूरी मेथी है, सूंड है, और काला नमक है। जबरदस्त। ठीक है, साथ में ये है नमक, बिल्कुल हम ये बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि इसमें हमने डाल देंगे। साथ में है थोड़ा सा सूखा धनिया। ठीक है, साथ में ये भी हमारा बहुत ही स्पेशल मिक्सर मसाला है, इसकी खुशबू मुझे बहुत आ रही है। ये भी हमारा खुद का है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ में हम यूज़ करते हैं। इसमें भी हम लोगों ने डाले हैं साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च, लाल मिर्च, ये हमने इसको भी ब्लेंडर करके कसूरी मेथी और कड़ी पत्ता। और ये है गार्निशिंग के लिए, हम अभी क्या क्या डालेंगे। जी, बिस्मिल्लाह करके ऑयल गर्म करते हैं। यस, yes, हो गया, बल्कि काफी ऑयल मैंने डाल दिए। अब हम डालेंगे इसके अंदर। हाँ जी, अब क्या डाल रहे हैं? अदरक लहसुन का पेस्ट। जी, सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यस, और ये इन्होंने हल्का सा ऑयल भी गर्म हो गया था। अच्छा, ये डाला। अब नेक्स्ट क्या? हल्का सा सेकंड हमें करना है, बिल्कुल इसको सुर्ख नहीं कर देना। अच्छा ठीक, बस ये हमने सौते कर दिया। ठीक है जी, और साथ में हम आप डालेंगे चिकन का कीमा। बिस्मिल्लाह, ये हमने चिकन का कीमा डाल रहे हैं। ओके, ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर चिकन का कीमा। ठीक है, ऐड कर लिया इसने। ओके, बस इसे इतनी देर हम फ्राई करेंगे थोड़ा, कि बस इसका पानी वानी खुश्क हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल ड्राई में, वैसे भी इसको बिल्कुल ड्राई कर लाई हूँ घर से। ओके, तो बस आपने जल्दी जल्दी बस इसे स्पीड वाले हाथों से काम करना है, कि बस थोड़ा सा चिकन का जो है कलर थोड़ा सा से भी चेंज हो जाए ना। सही है। अच्छा, इसको कितनी 2 मिनट तो लगेंगे? 2 सेकंड, मिनट नहीं, 2 सेकंड। अच्छा, इसके बाद क्या हम इसमें ऐड करेंगे? हम इसमें सारे मसाले एक साथ ही डालते जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा उन्होंने ये कि इसका कलर जरा सा वाइट आ रहा है, जैसे ऐसा ऐसा वो रेडिश से खत्म होके वो उसकी तरफ आ जाए। कीमा है, ज़्यादा देर चलने में नहीं लगती, इसे जल्दी पक जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चिकन का कीमा तो बहुत जल्दी, इतनी देर आप मेहमान बैठेगा वो पहले दौर चले गए, कि कोई मेहमान से ये कहे कि आप पहले बताएं यहाँ पे चिकन डालो, 10-15 मिनट भी नहीं लगते कि आपका जो है चिकन रेडी हो जाता है। ये देखें, चिकन का कलर बिल्कुल बिल्कुल वाइट हो गया है, बिल्कुल। ठीक ठीक, अब हम बिस्मिल्लाह करके इसमें हम मसाले डालेंगे। जी, हम लोग मिर्च मसाले डाल रहे हैं। सबसे पहले हम ये डालेंगे। ओके, कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला डाला। यस, अरे वाह, ज़बरदस्त, प्यारी सी खुशबू इसका। मुझे जब डाल दोगे ना फिर मुझे बताना है कि इसमें, ताकि एक बार फिर नाज़रीन, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। हसब-ए-ज़ायका, क्योंकि कढ़ाई मसाला में भी काला नमक हमने ऐड किया हुआ है। असल में राहिला जो है, शेफ राहिला, माशाल्लाह खुद से घर में मसाले जो हैं वो बनाती हैं। यस, और ये थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। अच्छा, पिसा हुआ धनिया, बिल्कुल ग्राइंड किया हुआ, बिल्कुल ग्राइंड किया हुआ पिसा हुआ धनिया, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। नो डाउट भाई, बहुत, यानी कि वो जैसे जैसे बन रहा है ना तो उसकी अरोमा ऊपर आ रहा है। और ये भी हमारा मिक्सर मसाला है, जो घर में ही घर आपने बनाया। ठीक, इसके अभी भी हम दोबारा पूछिए। 1 spoon ही डालेंगे। यस, वाओ। और अब हम कड़ी पत्ता डालेंगे। ओए होए होए, क्या बात है। अच्छा, कसूरी मेथी अभी छोड़ दी है मेरी बहन ने, एंड में जाएगी। ओके, डन हो गया जी। अब बस हम अब इसको मिक्स करें। अच्छा, ऑयल थोड़ा कम नहीं लग रही है? नहीं, हम थोड़ा नहीं बाद में डालेंगे, क्योंकि टमाटर की जब पानी जब होता है ना तो वो छूट जाएगा, बिल्कुल ऑयल भी वो छोड़ेगा, बिल्कुल बहुत खूबसूरत कलर आएगा। डिश का नाम बार बार बताते रहे, चिकन कीमा कढ़ाई। चिकन कीमा कढ़ाई, ओके। अच्छा, हम एक बार फिर आपको नाज़रीन बता दें, इसके अंदर जो है इन्होंने कीमा इस्तेमाल किया है, क्यूब्स में टमाटर इस्तेमाल किए हैं,
और नो पीसी हुई मिर्चें, नो हल्दी, कुछ भी नहीं है। इन्होंने खुद से ग्राइंड किए हैं, वो आप अपने घर पे भी मसालों को ग्राइंड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और उन मसालों में ऑफकोर्स इन्होंने अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स डाले, वो मैं बता नहीं पाऊँगी शायद, पता नहीं, कुटी हुई मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा एंड गरम मसाला। अच्छा एक बार फिर बता दो ना, ये वाला खा, ये बताओ पहले ये वाला। बिल्कुल, मैं टमाटर डाल के, हाँ बिल्कुल डाल के, ताकि स्टीम पे जब फिर मसाला ऐड कर दो ना, ये देखें टमाटर बस ऐड कर दिए, ज़बरदस्त। अच्छा यहाँ जब तक वो उसका फ्लेवर आएगा हम लोग तब तक मसालों की बात करते। अच्छा जी, इस वाली मसाले को हम कैसे बनाए, आपने बनाए इसके बारे में ज़रा बताएं, फिर हम इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है जी, कढ़ाई मसाले में आपने डालनी है साबुत लाल मिर्च, ठीक है, काली मिर्च साबुत, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया और अजवाइन, सूंठ, काला नमक। इसे आपने बिल्कुल लाइट स्टोव पर रोस्ट कर लेना, ठीक है, फिर ड्राई करके आपने इस तरीके से मोटा मोटा कूट लेना है या ग्राइंड में आप बिल्कुल बस एक ही बार आपने मशीन चलानी है और फौरन से हटा देना। और बड़ी प्यारी सा इसमें कुछ बिल्कुल। अच्छा इसको रोस्टेड करके बिल्कुल नहीं रोस्ट करना करने है, रोस्टेड जरूर करना है। एक नेक्स्ट ये वाला जो बनाया था, मिक्सर है, इसमें सिर्फ चार मसाला है, इसे ना इसका नाम है चार मसाला, चार मसाला, क्योंकि इसके अंदर है साबुत धनिया, साबुत काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च साबुत। इसे भी आपने रोस्ट करना है सब चीज़ों को और फिर एक साथ ग्राइंड कर लें। अच्छा आपके तमाम जो हैं डिशेज़ हैं वो आपकी फेसबुक आईडी पर मौजूद हैं, या हम लोग आपकी कुछ रेसिपीज़ देखना चाहें, जैसे आपने ये बनाया चार मसाला या ये चिकन का है हमें देखना है, तो वैसे मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी पे तो यूट्यूब पे आएगा, आपने भी कुछ सोचा कि कुछ जी लोग आपकी रेसिपी जी बहुत टेस्टी खाने बनाते हैं। अब इंशाल्लाह जब आपके चैनल ने और आपने मुझे यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत मौका दिया है, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कर सकती हूँ, मैं सीरियसली मैं बस हाउस वाइफ थी और मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट से माशाल्लाह से इतनी कुकिंग इतनी अच्छी कर लेती थी, मगर बस आप लोगों ने मुझे मौका भी दिया और पसंद भी किया मेरी कुकिंग को। नहीं तो बस इंशाल्लाह जब सीरी आप कर सकती हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकती नहीं। ऐसा कैसे होता, देखिए बात टैलेंट की है, बात ये नहीं होती है, ये तो हमारे ऐसे हीले होते हैं। और सबसे अच्छी बात है मेरी प्यारी बहन की कि अपने हस्बैंड भी, इनके हस्बैंड बहुत अच्छे शेफ़ हैं और दोनों मिलके करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हों या स्किल्स जिनमें हो, हमें उनको ओबलाइज करना चाहिए। तो दोनों मिस्टर एंड मिसेस मिल के जो है वो ऑर्डर्स पे खाना, जिन लोगों ने बड़े बड़े ऑर्डर्स देते हैं ये उनके खानों को मेकिंग करते हैं एंड देन डिलीवर करते हैं, तो इट्स अ गुड एफर्ट। आप ये जरा सा देखिए, मैं जब तक चलती हूँ नबीला की तरफ, नबीला काशिप की तरफ, और वो अपनी नन्नी जैनब के साथ क्या कर रही हैं। सो गई और जाग रही है, फीडर पी रही है। अच्छा फीडर पी रही हैं। अच्छा सोशल एक्टिविस्ट आप हो, हाउ कैन मैनेज, बिकॉज छोटा सी बेबी भी है और आपकी सोच बहुत अच्छी है, तो कैसे मैनेज करते हैं? एक बच्चा और भी आपके कितने साल का है? एक साल का। तो कैसे मैनेज करते हो आप इन सब? हस्बैंड की सपोर्ट है। अच्छा हस्बैंड की सपोर्ट है, तो सोशल वर्किंग को साथ साथ जारी और सारी रखा हुआ है? बिल्कुल। कभी फील हुआ है यार मैनेज नहीं कर पाऊंगी? लेकिन हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, लगा मुझे यूं कि शादी के बाद शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन हस्बैंड ने हमेशा सपोर्ट किया किचन में। लेकिन ये एक नेशन का जो क्रिएशन आया वो कैसे आया, वो कब आपके दिल में उजागर हुआ, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, या इस सोच की क्रिएशन कैसे शुरू हुई, स्टार्ट? मैं शुरू से जो है ना मदर्स और वुमेन्स के ऊपर जो है वो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी उनमें पार्टिसिपेट करती थी, और मगर जब मुख्तलिफ लोगों से मेरी मुलाकातें होती थी, डिफरेंट जगहों पे जाती थी, डिफरेंट नज़रियों से गुजरती थी, तो मुझे ये पता चला कि हम लोग एक कौम नहीं है। जब मुझे ये जब मुझे ये शऊर आया कि हम एक कौम नहीं है, तो मैंने इस पर मज़ीद वर्किंग की कि हमें टुकड़ों में बांटा किसने, हमें जो ये शऊर है वो रोकने वाली जो लोबीज थी वो माफिया थी वो थी कौन। जब ये चीज़ मैंने जानी, मैंने कहा अब जो हम पर तो हुआ, जो हम हैं वो तो इन मसाइल से गुजर गए, लेकिन जो अब जो बाकी जो नस्लें हैं वो ये चीज़ें फेस ना करें, और इनको ये मैसेज दिया जाए कि वन नेशन होना कितना ज़रूरी है। और हमारी जो मदर्स हैं, क्योंकि जब मैं मदर बनी तो मुझे भी एहसास हुआ कि असल में माँ होती क्या है, ये जो हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं,
हम सिर्फ अल्फाजों से करते हैं, रियल में हम वो मोहब्बत नहीं करते हैं जितनी जो कुछ पाकिस्तान ने हमें दिया हम उसका हक अदा नहीं कर पा रहे। सेम ऐसे जैसे माँ हमारे लिए जितनी कुर्बानियाँ देती है तो बच्चे उसका हक अदा नहीं कर पाते, सेम जो नेशन है वो भी अपनी मदर का हक अदा नहीं कर पा रही, वो एक नहीं हो पा रही। जिस दिन हमारी नेशन एक हो गई तो आप ये समझ लें कि उसने जो हमारी वन मदर है ना उसका हक अदा कर दिया। क्या बात है यार नबीला, दैट्स ग्रेट एफर्ट कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से बात कर रही थी फील करके, और ये खुद कुदरती इंसान की जो सोच होती है ना और जो फीलिंग होती है वो कोई क्रिएट नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। हम जब भी बात करते हैं और सोच के ऊपर डिपेंड करती है, और हमारा मुल्क जो क्रिएट हुआ है वो एक ख्वाब और एक सोच से क्रिएट हुआ है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो है वो देखा, हम कहते हैं ना अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा हुआ, क्या कहते हो ऐसा होता है कि नबीला? मुझे भी पूरा नहीं लग रहा, हाय अल्लाह अधूरा लगता है वो तो हमारी, उन्होंने तो हमें देखें, कोई भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए हमेशा दुआ की। क्या हम समझते हैं वो उम्मत वैसी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोची? नहीं ना, ऐसी तो नहीं। वो तो उठ उठ के रात को जाग के हमारे लिए दुआएं करते थे, फिर उन्होंने पर्दा पोशी, उन्होंने ये बोले कि अल्लाह पाक इनको दुनिया में कोई ऐसी वो ना देना। मगर सभी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ना, आप यकीन करें बहुत दिल दुखता है, दिल दुखता है, इसमें कोई शक नहीं। अभी देखे ना बलूचिस्तान में लोग पानी में बह रहे हैं, इंटीरियर सिंध अभी भी हम कितने डेवलप मुल्क होके तो अभी भी लोग वहाँ डूब रहे हैं, तो उनके लिए कौन सोचेगा। हम चलते हैं अपनी प्यारी बहन राहिला की जानिब, साथ साथ जो है हमारे साथ नबीला, सॉरी राहिला की तरफ नबीला, दोनों मेरी बहनें यहाँ पर आगे पीछे हो गई हैं। अच्छा जी, कहाँ तक पहुँची डिश? सबको छीन के लगा दी, हमारा कैमरामैन परेशान हो गया है, जाहिद भाई को छीन के लग गई हैं। देखें से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 मिनट्स में कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 10 मिनट्स में सिर्फ पानी ड्राई करना है मेरे ख्याल बिल्कुल, और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। अब हमने इसमें हरी मिर्ची है ठीक है ऐड कर ली, ऐड कर दी है ओके ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे ओके, थोड़ा छोड़ देंगे गार्निशिंग के लिए, और अदरक जो कढ़ाई की जान है। ओह ये बहुत अच्छी गई, कढ़ाई की जान ठीक है। यस, इसे बस हम 1 से 2 सेकंड के लिए बस इसे हल्की सी स्टीम पर रख देंगे ठीक है, और बस फिर से हम डिश आउट कर देंगे। चले आप 2 मिनट ले लें, हम जब तक नबीला की तरफ जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, और उनसे भी मैसेज भी लेते हैं, बात भी करते हैं। अच्छा नबीला और बहनें क्या करती हैं? और ऑफकोर्स सास ने बोला नहीं, ये बच्ची मेरी बच्ची को कुछ हो जाता। अच्छा मैं तो हैरान हूँ आपके हस्बैंड ने कैसे इजाज़त दे दी, कोई बच्चा कोई एकदम थोड़ी बड़े चाहों के बाद दुआ करते हैं, और बेटी तो वैसे ही बाबा को इतनी प्यारी होती है, तो आपके हस्बैंड काशिफ साहब हैं, उन्होंने इतनी नन्नी सी मुन्नी सी बच्ची को कैसे आपको परमिशन दे दी कि 1 महीने की बच्ची को आप लेके चली गई हो जलसे में? हाँ थोड़ा सा दिल कमज़ोर होता है, औलाद है, मगर जब हम ये सोचते हैं ना कि इनका फ्यूचर भी तो इस छत के नीचे नहीं है, इस बच्चे के अलावा बहुत सारे बच्चों के लिए सोचा आपने? हाँ मतलब आप ये समझ लें हम इनसिक्योर जगह पे रह रहे हैं, अगर हम आज नहीं मतलब उस दिन नहीं निकलते या अभी भी हम जो है इस मुल्क के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे तो मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर यहाँ नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी ग़ुलाम ही बनेंगे जैसे हम रहे हैं। तो जो मकसद यही था कि जो हमें हकीकी आज़ादी मिल के रहे जी। नबीला एक बात ऐसी देखे, मैं ऑफ कोर्स एक एज अ वुमेन मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी हस्बैंड अपनी औलाद के साथ किसी भी औरत को परमिशन नहीं देता, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसी सोच है, हाउ इज पॉसिबल यार? मेरे हस्बैंड जो हैं वो अब जो उनकी मदर है ना यानी कंट्री, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं इस तरह के हज़ारों बच्चे कुर्बान। अच्छा जी डिश रेडी हो गई है, ज़रा यहाँ पर डिस्प्ले करें, ब्रेक ले लें हम लोग यहाँ पर छोटी सी, वाइंड अप तो नहीं है ना, ब्रेक है ना, ब्रेक ले लें। यस हम लोग यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लें, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, राहिला मेरे साथ है, नबीला मेरे साथ है, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।